इमली से मुकाबला। और तेज चलो चुलबुल, मुझे भूख लगी है और चाट की दुकान बहुत दूर है। अरे मैं गधा हूँ, कोई हवाई जहाज नहीं जो तुम्हें उड़ के वहाँ पहुँचा दूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम, लो बन गए तुम प्लेन चुटकी बजा के। अब जल्दी से चाट की दुकान पहुँचा दो। मैं प्लेन बन गया। पापा देखा वो क्या कर रहे हैं? देख तो रहा हूँ लेकिन यकीन नहीं हो रहा। जिंटू वापस लैंड करो इस प्लेन को जल्दी, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। अभी लो चुटकी बजा के। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको देख लूंगा। अगड़म बगड़म आलम फालम या तुम्हारी खो जाए, इकड़म तिकड़म दम दमादम या तुम्हें ना कुछ आए। हम यहाँ क्यों हैं और क्या कर रहे हैं? क्या पता, कुछ याद नहीं आ रहा। चलो घर चलते हैं। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। टिम्बकटू ये बताओ, अगर कोई चीज खराब हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, कबाड़ी को बेच देना चाहिए बॉस। गुड आइडिया, गुड आइडिया। टिम्बकटू पहली बार तुमने काम की बात की है। एक और इससे भी अच्छा आइडिया है बॉस, उस बेकार चीज को रॉकेट में बांध के आसमान में उड़ा दो, धरती से उसका नामो निशान ही मिट जाएगा। बॉस ये आइडिया तो और भी अच्छा है, मैं यही करूंगा। जाओ एक रॉकेट लेकर आओ, मैं तुम्हें रॉकेट में बांध के आसमान में भेज दूंगा। मियाओ, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। लेकिन बॉस, बॉस मुझे क्यों बॉस? मैं आपके लिए एक हिप्नोटाइज करने वाला आदमी लाया हूँ, वो वीर को हिप्नोटाइज करके यहाँ ले आएगा बॉस। वीर रोबोट है कद्दू इंसान, वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। तुम बस जाओ और रॉकेट का बंदोबस्त करो। रोबोट हिप्नोटाइज नहीं हो सकता लेकिन उसके दोस्त तो हो सकते हैं। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम चिंचिंग चू। मैं हिप्नोटाइज करूं सबको, चाहे मोना हो या टिम्बकटू। हिप्नोटाइज? कैसे करते हो हिप्नोटाइज, जरा हमें भी बताओ। ये देखिए, चश्मा पहन के रेड बटन दबा दिया तो सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाता है, और ग्रीन बटन दबाया तो हिप्नोटिज्म खत्म हो जाता है। तुम वीर के किसी दोस्त को हिप्नोटाइज करो और उसे ये डेटा ट्रांसफर डिवाइस दे दो। जब वीर सो रहा हो, ये डिवाइस उसके दिमाग का सारा डेटा ट्रांसफर करके ये डिवाइस मुझे दे दो। फिर मैं वीर जैसे कई रोबोट बना सकता हूँ, कई रोबोट। और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो चाहो, जितना चाहो। अब जाओ। और हाँ टिम्बकटू, ये रोबोट जैकेट भी उस दोस्त को पहना देना, क्योंकि तुम्हें इसकी रोबोटिक पावर्स के बारे में मालूम है। ओके बॉस। वो देखो, वो लड़की इमली वीर की खास दोस्त है। ओके, आज के बाद उसकी दोस्त नहीं रहेगी। इमली,
इधर देखो, क्या तुम्हें ये चश्मा चाहिए? इमली, चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ क्या काम करना है और ये जैकेट का इस्तेमाल कैसे करना है। आओ मेरे साथ। नेचू, नेचू। इमली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वीर, वीर, उठो, देखो इमली ने तुम्हारे सिर पर क्या लगाया है। वीर, उठ जाओ वीर। वीर! क्या हुआ चुलबुल? अरे इमली, तुम इस समय यहाँ? वीर, वीर, तुम्हारे सर पर इसने कुछ लगाया है। ये क्या है? ओ, ये तो डेटा ट्रांसफर डिवाइस है। इमली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये तुम्हारी आंखों में ऐसा एक्सप्रेशन क्यों है जैसे कि तुम इमली नहीं कोई और हो? जिंटू को बुलाना होगा। तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। जिंटू, जल्दी से इमली के पास चलो। ओके बॉस, अभी लो चुटकी बजा के। इसमें तो 1% भी डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है। फिर से जाओ और इस बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूँ। इमली, तुम इनके साथ कैसे मिल गई? हमने इसे हिप्नोटाइज कर दिया है, अब ये हमारी बात ही मानेगी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वीर, वीर, तुम ठीक हो ना? ये लो, इसे सर पर लगा लो। नहीं, हरगिज नहीं, इससे वो मेरे दिमाग की हर इंफॉर्मेशन चुरा लेगा। वीर, तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैं इमली को चोट नहीं पहुंचा सकता, वो हिप्नोटाइज्ड है। वो चिंचिंचू के पास जो काला चश्मा है, उसे पहन के ग्रीन बटन दबा के इमली की आंखों में देखो, वो ठीक हो जाएगी। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। फिर वो चश्मा दे दो मुझे। ये लो, ये लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। इमली बस करो, होश में आओ। इमली सुनो तो, मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हें अभी ठीक कर देता हूँ। चिंचिंचू, काम हो गया, अब चलो अपना इनाम लेने। मैं अपना पैसा लेकर गांव चला जाऊंगा, यहाँ बहुत खतरा है। छोड़ दो जल्दी, मेरा
अपना विंग सूट नहीं छोड़ा तो हम उड़ नहीं सकते। नहीं, मुझे डर लग रहा है। अरे जल्दी चलो और वीर को बचाओ। अब वीर नीचे गिर के टूट फूट जाएगा और हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। इमली, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? है। तो मुझे छोड़ दो। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। सांस तो अब मेरी रुकेगी जब वो वापस आएगा। मैं तो भागता हूँ यहाँ से। बॉस, बॉस। हाँ क्या हुआ? अगर नहीं हुआ तो रॉकेट लेते हुए आना। बॉस, बॉस, रॉकेट की जरूरत नहीं है, मैं खुद आसमान में जा रहा हूँ। द डांस कॉम्पिटिशन। स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल का डांस कॉम्पिटिशन 2 दिन बाद है, कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। तुम लोग अगर चाहो तो बाहर के लड़के लड़कियों से भी सीख सकते हो या उनको अपने ग्रुप में रख सकते हो। तो कौन कौन इस डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहता है? सर सर, फर्स्ट तो मुझे ही आना है, फिर दूसरों को क्यों तकलीफ देना। आप तो जानते ही है ना सर, मैं कितना अच्छा डांस। जिंटू, ये बंटी कभी नहीं सुधरेगा, जरा इसका डांस सबको दिखा दो। ये क्या कर रहे हो? ये डांस करने की जगह नहीं है, स्टॉप इट। बस करो बंटी, ऐसे स्टॉप इट, कोई रोको इसे। इसे क्या हो गया? ऐसा लगता है जैसे उस पे किसी ने जादू कर दिया हो। जादू? कहीं जिंटू तो यहाँ हो रहा, मुझे मालूम था। जिंटू बस करो, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सर, वैसे देखा जाए तो ऐसा अच्छा डांस हमने कभी नहीं देखा। इसके टैलेंट को देख के इसे एक बार माफ कर दीजिए सर। बात तो सही है, इतना अच्छा डांस मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। बंटी, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर एक महान कलाकार छुपा है। जाओ प्रैक्टिस करो और इस बार कॉम्पिटिशन जीत लो मेरे बच्चे। हमें ये डांस कॉम्पिटिशन हर हाल में जीतना है, इसके लिए खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं भी डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूंगा। नहीं चुलबुल, तुम कैसे हिस्सा ले सकते हो? मैं डांस कर सकता हूँ, ये देखो। वीर, तुम्हारी टीम जरूर फर्स्ट आएगी। शाबाश चुलबुल, और डांस करो। चुलबुल, तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। प्रिंसिपल सर ने कहा था कि हम बाहर से भी किसी दोस्त को अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। चुलबुल हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ डांस करेगा। थैंक यू वीर। कम ऑन, लेट्स प्रैक्टिस। वो देखो, जिंटू भी उनके साथ डांस कर रहा है। ये टीम तो जरूर हारेगी। अभी इसे दिखाता हूँ मैं कैसा डांस कर सकता हूँ। ऐसे डांस किया तो वीर का ग्रुप जीत जाएगा। हमें कुछ करना ही होगा। जिंटू, तुम जादू का इस्तेमाल कर रहे हो, बिना जादू के प्रैक्टिस करो प्लीज। हम कंपटीशन में जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हमें तो पता है ना, ये चीटिंग होगी। किसी भी मुकाबले में चीटिंग करना सही नहीं है। तुम्हें तो मेरे जादू से हमेशा प्रॉब्लम होती है। वीर को मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं। चलो चलकर कहीं कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। हेलो जिंटू,
हाय बंटी। ए, लो चॉकलेट खाओगे? हाँ हाँ, मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। मैं तुम्हें रोज रोज ऐसी ही चॉकलेट खिला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त? तुम हमारे गुरु बन जाओ, हमें भी अपने जैसा डांस सिखाओ। क्या तुम हमें अपना शिष्य बनाओगे गुरुजी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन रोज रोज चॉकलेट खिलाने वाली बात याद रखना। चलो प्रैक्टिस करते हैं। कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम अपने डोंकी सेंस को अपने पास ही रखो, मैं कुछ खा के आता हूँ। डांस के समय भूख लग गई तो खा नहीं पाऊंगा। जल्दी आना, हमें तैयार होना है। डांस गुरु, हमारी टीम में एक आदमी कम है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ डांस कर लो। कोई करने को तैयार नहीं है। मैं ये सारी चॉकलेट उसे दे दूंगा जो मेरे साथ डांस करेगा। मैं तुम्हारे साथ डांस कर देता, लेकिन 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 क्या डांस गुरु, आप तो मेरे गुरु हो गुरु। आप मेरे साथ भी डांस करो और वीर के साथ भी डांस करो। आप उसके दोस्त हो, उसका भी हक बनता है आप पर। अच्छा, क्या मैं दोनों के साथ डांस कर सकता हूँ? हाँ हाँ, पहले मेरा डांस है, आप मेरे साथ डांस करो, फिर वीर के साथ डांस करना। लेकिन लेकिन क्या? कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं दोनों के साथ डांस करूंगा। अगर मुझे मेरे दोस्त प्यारे हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स भी प्यारे हैं। लेकिन डांस गुरु, ये बात वीर को नहीं बताना, हम उसे सरप्राइज देंगे। ओके, सरप्राइज देंगे। अब बारी है एक ऐसे कलाकार की जो डांस का नाम सुनते ही खुद को रोक नहीं पाता। वो बॉर्न डांसर है, ग्रेट डांसर है। उसका नाम है बंटी। ये चिंटू बंटी के घर में कैसे डांस कर रहा है? मैंने कहा था ना, मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ है। बंटी ने जरूर उसे खिला पिला के अपने साथ मिला लिया है। जी, आशीर्वाद दो कि मैं अच्छा डांस करूं, और अगर मैंने अच्छा डांस किया ना, तो मैं आपको फ्रिज भर के चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट तुम्हारे पास है तो मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ ही होगा। तुम अच्छा डांस करोगे, और मेरा आशीर्वाद मुझ पे भी हो, ताकि मैं भी अच्छा डांस करूं। Thank you.
और अब बारी है हमारे स्कूल के सबसे होनहार स्टूडेंट वीर और उसके ग्रुप की। वीर हर काम अच्छा करता है लेकिन उसका डांसिंग टैलेंट मैंने आज तक नहीं देखा। चलिए हम सब मिलकर देखते हैं। चिंटू मेरे साथ डांस कर चुका है। एक ही लड़का दो टीम में डांस नहीं कर सकता। This is against rules. Oh, you are right. वीर तुम्हारी टीम में चिंटू डांस नहीं कर सकता क्योंकि वो बंटी की टीम में डांस कर चुका है। एक ही पार्टिसिपेंट दो टीम में हिस्सा नहीं ले सकता। चिंटू, तुमने उसके साथ डांस क्यों किया? क्यों? उसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट खिला के डांस रिहर्सल भी करवाया और अपने साथ डांस भी करवा लिया। उसने मुझे नहीं बताया कि मैं उसके साथ डांस करूंगा तो वीर के साथ नहीं कर पाऊंगा। देखा चिंटू, तुमने चॉकलेट की लालच में अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया। I'm sorry, वीर, very, very sorry. कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब चुपचाप बैठ के डांस देखो और एंजॉय करो। थैंक यू वीर। स्टूडेंट्स, इस डांस कंपटीशन के विनर है, गैस कौन? इस डांस कंपटीशन के विनर है वीर और उसके दोस्त। मैं इस ट्रॉफी को लेने के लिए अपने दोस्तों को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। वो भी इस ट्रॉफी के हकदार हैं। मेरे दोस्त, प्लीज कम ऑन स्टेज। कहा मेरे दोस्तों को, तुम मेरे साथ डांस भले ही नहीं किए लेकिन तुमने रिहर्सल हमारे साथ ही किया है और तुम हमेशा मेरे दोस्त थे और रहोगे। ट्रबल इन प्लेन। पता है इमली आज एरोप्लेन से वापस आ रही है। अच्छा, एरोप्लेन से? वाह, लेकिन वो गई कहाँ थी? वो अपने फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने शिमला गई थी। देखा, मैं यहाँ से बॉल को किक मार के अपने छत तक पहुँचा सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ये कर सकता हूँ। तुम छत पर जाओ बॉल वापस लाने के लिए। जाता हूँ जाता हूँ, लेकिन तुम वहाँ तक बॉल नहीं पहुँचा सकते। ये फुटबॉल किसका है? बंटी का तो नहीं? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? हाँ, पता नहीं क्यों, कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है भला? पकड़ा गया ना? अभी अभी मिली खबर के अनुसार शिमला से आने वाला। क्या हो रहा है वीर? हम बस खेल रहे हैं। आज तुम्हारी दोस्त इमली नहीं आई क्या? वो अभी प्लेन में होगी, शिमला से वापस आ रही है। उसका प्लेन लैंड करने ही वाला होगा। क्या, शिमला वाला प्लेन तो प्रॉब्लम में है, उसका व्हील नहीं खुल रहा और वो लैंड नहीं कर पा रहा। देखो वही न्यूज तो आ रही है। अभी अभी मिली खबर के अनुसार शिमला से आने वाला प्लेन लैंड नहीं हो पा रहा क्योंकि उसका आगे का व्हील खुल नहीं रहा। कोशिश जारी है। अरे मैं तो कहता हूँ जिंटू को बुलाओ। दोस्तों को नमस्ते, दुश्मनों को प्रणाम, जो बोलो मैं कर दूंगा, जिंटू मेरा नाम। जल्दी से मुझे और चुलबुल को एयरपोर्ट ले चलो।
ये कहाँ ले आए तुम? कौन सा एयरपोर्ट है ये? तुमने कहा था एयरपोर्ट ले चलो, मैं एयरपोर्ट ले आया। कौन सा है ये नहीं पता। नहीं हुए तो चुलबुल भक्षी तो जरूर है। चुलबुल भक्षी क्या होता है? ये लोग मुझे खाएंगे? नहीं। हेलो अल्फा चार्ली डेल्टा, लैंड करने की कोशिश करते रहो। जब तक ट्यूल है तब तक कोशिश करो, नहीं तो फिर दिल्ली एयरपोर्ट में ही इमरजेंसी लैंडिंग करना। यहाँ नहीं, इस एयरपोर्ट में कोई फैसिलिटी नहीं है। ओके, ओवर एंड आउट। हेलो अल्फा चार्ली डेल्टा, पैसेंजर को नीचे कैसे उतारा? कौन से टेक्निक से? मुबारक हो, मुबारक हो। जिंटू ये क्या कर रहे हो? वापस भेजो सबको, वरना लोगों को कैसे समझाऊंगा कि जिंटू नाम का जिन मेरे साथ है। मैं पैसेंजर से बात करता हूँ। सब लोग वापस आ गए। पापा ऐसा लगा था जैसे हम रनवे पे हो। लगा तो था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जरूर हमारा वहम होगा। फिर कभी ऐसा जादू मत करना, लोगों को ऐसे नहीं बचाना है। प्लेन का पहिया अटक गया है, उसे बाहर निकाल के प्लेन लैंड करा के लोगों को बचाना है। एक पहिए से इतना असर हो रहा है, मैं एक क्या अनेक पहिए लगा देता हूँ, अब तो लैंड हो ही जाएगा। हेलो अल्फा चार्ली डेल्टा, इतने पहिए कहाँ से लाए? अब तक तो एक भी पहिया नहीं खुल रहा था। हेलो हेलो जिंटू, ये क्या कर रहे हो? पहिए निकालो जल्दी। अभी लो। जिंटू से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए थी, ये कुछ ना कुछ उल्टा जरूर करता है। अल्फा चार्ली डेल्टा, मैं क्या देख रहा हूँ? पहियों की बरसात हो रही है, ये सब क्या हो रहा है? अल्फा अल्फा जिंटू, ये पहिए गायब करो, हम लोगों को ऐसे जादू नहीं दिखा सकते। तुम तो कभी भी मेरे काम से खुश नहीं होते। अल्फा चार्ली डेल्टा, अब सब नॉर्मल है। तुम उसी मुसीबत में हो और मैं इसी एटीसी टावर में हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं क्या देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस आई कैन, लेकिन तुम कौन हो और हमारी फ्रिक्वेंसी में कैसे आ गए? वो सब छोड़िए, एक बार फिर से लैंड करने की कोशिश कीजिए, इस बार कुछ ना कुछ जरूर होगा। कोई बच्चा बात कर रहा है और कहता है लैंड करो, इस बार कुछ ना कुछ होगा। कोशिश करो, हम और कर भी क्या सकते हैं, जब तक फ्यूल है कोशिश करो, फ्यूल खत्म होगा तो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। पापा हमारा प्लेन लैंड क्यों नहीं कर रहा है? हेलो मैडम, हम इतनी देर से चक्कर क्यों लगा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्लेन का अगला पहिया खोल नहीं रहा है, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं खुला तो हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। प्लीज शांति बनाए रखिए। अब क्या होगा, कैसे बचेंगे हम? वीर यहाँ क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? अल्फा चार्ली, मैं
मैं दिन में सपना देख रहा हूँ, ये हकीकत नहीं हो सकता। वीर खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो मेरी मदद से कभी खुश नहीं होता, तुम जाओ और उसकी मदद करो। चिंटू क्या कर रहे हो, बचाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने दोस्त चिंटू से पूछो। मोर मैग्नेटिक पावर। चिंटू, अरे क्यों मजाक कर रहे हो? इस भोले वाले डोंकी पे कुछ तो तरस खाओ। Wheel is out! Wheel is out! Hello, ATS Tower! Wheel is out and we are landing! Ladies and gentlemen, wheel finally nikal gaya hai aur hum log land kar rahe hain! नहीं होगा, पहियों को बरसते देखा, प्लेन में लड़के को चिपके देखा, कैसे हो सकता है? अरे प्लेन से लड़के को कूदते देखा, अरे मुझे दिन में भी सपने दिखाई दे रहे हैं। मैं चला अपने गांव, घर जाके खेती बाड़ी करूंगा। हाँ।